हेलो फ्रेंड्स, पीएस गंगा आर्ट शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम प्रीति मेहर है और मैं आपको ड्राइंग सिखाती हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत ही नई ड्राइंग लेकर आई हूँ, जो बहुत ही सुंदर सी है, यूनिक सी है और बहुत इजी भी है, तो आप लोग इजीली बना। अब हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सर्कल बना लिया है और इसके अंदर अब मैं एक गर्ल का स्केच है वो ड्रॉ कर रही हूँ। ये बहुत ही ईजी भी है और ब्यूटीफुल भी है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सबसे पहले आपको पता है, ध्यान में ये रखना है, आप जो पेंसिल चलाते हो वो बहुत ही लाइट चलानी है पेंसिल। और आप ड्रॉ करने के लिए एच बी या टू बी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। मैं एच बी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और इससे हमारी अगर कुछ भी गलतियाँ होती हैं तो हम पेंसिल लाइट चलाएँगे तो मिटाने में ज़्यादा आसानी भी होती है और छपता भी नहीं है और काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल ड्राइंग बनती है हमारी। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, तो आप भी रखिए, ठीक है। तो ये देखो, ये जो गर्ल है वो मेरी बन गई है। अब मैं इसकी नोज़ के ऊपर छोटा सा एक बटरफ्लाई बना दूँगी जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगने वाला है। और इसका फाइनल रिज़ल्ट तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के। तो देखो, अब इसके ऊपर है ना, अब हम शेडिंग का काम करेंगे। तो मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। पूरी ड्राइंग में मैं 6B और एच बी पेंसिल का ही यूज़ किया है। एच बी पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया था और 6B से मैं शेडिंग करूँगी। और अब मैंने इसको फिल करने के बाद ब्लेंडिंग स्टम्प से क्या किया, इसको मिक्स कर दिया है और फिर मैंने उसको हाईलाइट किया था। और अब हम इसकी ना लैशेस बना लेते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर लगने वाली है ये और लग भी रही है। अभी इनकम्प्लीट ही इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, तो फिर बाद में कितनी लगेगी। और हाँ, अगर आपको इसी तरीके की कोई और न्यू वीडियो चाहिए या मतलब आपका कुछ डिमांड हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके कहने पे एक अच्छी वीडियो बना के दूंगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑलमोस्ट जो वीडियो है वो हमारी डन होने वाली है। अभी हम है ना हेयर्स के ऊपर वर्क कर लेते हैं। तो हेयर के ऊपर वर्क करने के लिए मैं 6B पेंसिल से ही पूरा शेडिंग कर रही हूँ नॉर्मली ऐसे। और उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, ये को मिक्स करेंगे, थोड़ा ईयर के ऊपर भी कर लेते हैं ये। अब हम ब्लेंडिंग स्टम्प लेके मिक्स कर लेते हैं। और आप है ना ईयरबड हो गया और या फिर है ना कॉटन हो गया, ब्रश हो, उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद आपको इसमें जहाँ जहाँ पे लाइटिंग का एरिया है वहाँ आप है ना लाइट कर सकते हो हेयर को, ताकि वो जो हेयर का लुक है वो काफ़ी नेचुरल लगे। तो मैं बहुत ही नेचुरल वर्क करना चाहती हूँ, मतलब अच्छे से बताना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जो ट्राइपॉड है उसकी वजह से ना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मतलब मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अच्छा वर्क करती हूँ तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको है ना दूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और बिल्कुल रियलिस्टिक वर्क करें। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी ड्राइंग बना के और कम टाइम में शेयर करूं। और ये जो ड्राइंग है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।